हेलो एंड वेलकम। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट के कट ऑफ रिलीज कर दिए गए हैं। आप सभी ने जरूर कट ऑफ देख लिए होंगे आई होप, और उन लोगों को दुख जरूर हुआ होगा जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके 50, 55 या 60 परसेंटाइल के बीच में जो लेके आए हैं, उन लोगों को बहुत ही तकलीफ हुआ होगा। क्योंकि इन्होंने सारे फॉर्म्स भराने के बाद अब ये कह रहे हैं कि इतने कट ऑफ के लोग ही भर पाएंगे। जैसा कि जनरल का जो कट ऑफ है 62.94 कट ऑफ दे के रखा है इन्होंने, जो 60 नंबर लेके आया, 61 नंबर लेके आया है, या जो 55 नंबर, 56, 57 नंबर लेके आया, वो कहाँ जाएंगे? उन बच्चों का क्या होगा? सारे फॉर्म्स भराने के बाद यूपी ट्रिपल एससी अब ये बोल रही है कि इतने ही कट ऑफ के लोग भर पाएंगे। उन गर्ल्स का क्या होगा जिन्होंने जी तोड़ मेहनत किया इस फॉर्म के लिए? एक तो इन्होंने कट ऑफ रिलीज करने में इतना लेट कर दिया, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इतने ही परसेंटेज के लोग भर पाएंगे। तो आप सब स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है तो और क्या हो रही है? आप सभी को इकट्ठा होना होगा, एक साथ आना होगा, तभी यूपी ट्रिपल एससी अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। और अभी जैसा कि हमने सुना है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो ऑफिसर्स हैं उनमें बदलाव हुआ है, आयोग में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अब जो नए ऑफिसर्स आए हैं वो आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, आपको उन्हें ये बात सुनवाना पड़ेगा कि आपको अपना कटअप चेंज करना होगा। एक तो आपने इतने लेट किया, इतने कंप्यूटराइज सिस्टम के बाद भी पेट का रिजल्ट आपके पास पहले से अवेलेबल था, उसके बाद भी आपने इतना लेट किया, और हम जो है जी तोड़ मेहनत किए हुए हैं लेखपाल के लिए, उसके बाद आप ये कहते हैं कि इतने ही कटअप के लोग भर पाएंगे सारा फॉर्म्स भराने के बाद, या अब सारा पैसा खा गए हैं इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना ही करना होगा। जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट आई है वो आप ही लोगों की वजह से आई है। आप लोग बच्चों को चांस नहीं देते हैं, उन्हें मौका नहीं देते हैं ताकि अपने वो क्षमता को दिखा सकें, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें, और जब वो नौकरी पाए तो अपने लेवल को इम्प्रूव करके अपने पूरी क्षमता से काम कर सकें। तो आप जब डेवलपमेंट करना ही नहीं चाह रहे हैं, सारी चीज़ें बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप क्यों बात करते हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? बेरोजगारी इसी तरह से हटेगी। आप जो 50% या 55%, जो 60% लेके आए, उन्हें आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग कैसे अपने किसी चीज़ में सेलेक्ट हो पाएंगे, अपने आप को विकास कर पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को सुधार पाएंगे? जब तक आप मौका नहीं देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ही ज़्यादा पंचायत होता है, इसी मौका आपको मिलता नहीं है, आप अपने साक्ष्म को दिखा नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि अरे यार मेरा नौकरी नहीं हो रहा है, हम किसी लायक नहीं है, इसमें भी एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह ऐसे होता है आपके साथ। बाकी सब चीज़ों पंचायत नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में कुछ ज़्यादा ही नाटक होता है, रेलवे भी ऐसा ही होता है, यूपी ट्रिपल एससी भी आज ऐसा ही रंग दिखा रही है। तो आप लोगों को एक साथ आना होगा, और आज का जो आंदोलन है इस आंदोलन को आपको सक्सेसफुल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, 11 बजे से आप सभी को इकट्ठा होके ट्वीट करना है #justiceforuplekhpal2022। जैसा कि आप ध्यान रखिएगा, हैशटैग से लेके 2022 तक में कोई भी गैप मत दीजिएगा, जे कैपिटल, एफ कैपिटल है, यू कैपिटल, सारा चीज़ कैपिटल होगा और कोई भी गैप नहीं होगा। आप कम से कम 1.5 करोड़ हमको ट्वीट चाहिए, आप एक आईडी से करो, दो आईडी से करो, लेकिन लगातार हमें ट्वीट चाहिए ताकि यूपी ट्रिपल एससी को अपने डिसीजंस को चेंज करना ही करना पड़े। एक दिन का हम उन्हें समय देंगे, एक दिन के बाद अगर उनके द्वारा कोई आश्वासन या कोई डिसीजन नहीं आता है तो 9 तारीख को हम 9 बजे वहां पे इकट्ठा होंगे यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस के सामने, और शाम तक हम आपको अपडेट देंगे कि हमें क्या करना है। और टैग आपको जरूर करना है, टैग आप करिएगा @UPGOV और @MYogiAdityanath, टैग करना ही करना है ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। और #JusticeForUPLekhpal2022 ये जरूर याद रखिएगा, ट्वीट हमें लगातार करते ही रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके आपको उतना शेयर करना है ताकि ये इंडिया का #1 ट्रेंडिंग आंदोलन हो सके, और यूपी ट्रिपल एससी को अपने डिसीजंस को चेंज करना ही पड़े। वो डिसीजंस अपने चेंज कैसे नहीं करेगी? अगर आप इकट्ठा हो जाएंगे तो उन्हें अपने डिसीजंस को बदलना ही पड़ेगा। एकता में ताकत होती है और ये सच्चाई है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।